नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु का परिवर्तन 2022 में आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे इस वीडियो में राहु और 2022 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होगा आपकी राशि के लिए। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। राहु कहाँ से पैदा हुए, राहु का इतिहास क्या है? समुद्र मंथन में जब अमृत का कलश निकला तो राक्षसों और देवताओं में दोनों में लड़ाई हुई कि कौन अमृत पिएगा। तो भगवान ने कहा कि अगर राक्षसों ने भी अमृत पी लिया तो फिर ये तो सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाएंगे, फिर तो धरती पर बहुत पाप बढ़ जाएगा। तो भगवान ने छल से पहले देवताओं की लाइन लगा दी कि सब लोग एक एक देवता बैठो और अमृत को पियो। लेकिन इसी लाइन में स्वर्ण भानु नाम का एक राक्षस देवताओं का भेष बदलकर लाइन में बैठ गया और भगवान विष्णु अमृत पिला रहे थे मोहिनी का रूप धारण करके। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया कि ये व्यक्ति जो है ये राक्षस है, इसने अपना नकली रूप देवताओं का बनाया हुआ है। उन्होंने भगवान से शिकायत कर दी। जब तक शिकायत भगवान तक जाती, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था तो मरना तो असंभव था। तो सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, तो जो सर वाला हिस्सा हुआ वो राहु हो गया और जो धड़ वाला हिस्सा हुआ वो केतु हो गया। अब अमृत पी चुके थे तो अमर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन सूर्य और चंद्र ने शिकायत की थी इसलिए सूर्य और चंद्र से दुश्मनी हो गई राहु और केतु की। इसीलिए सबसे ज्यादा इस सृष्टि में जो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, जिनके नित्य दर्शन आप करते हैं, उनको ग्रहण लगाने की क्षमता राहु के अंदर होती है और किसी ग्रह के अंदर वो ताकत नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहु ताकतवर तो है ही। अब राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिमाग नहीं है। राहु की वैसे तो कोई अपनी राशि नहीं है, केतु की भी अपनी कोई राशि नहीं है। राहु जो है शनि के जैसे प्रभाव देते हैं या जिस राशि में बैठे हों उस प्रकार के फल देते हैं। राहु रातों रात किस्मत को बदल देता है क्योंकि राहु चतुर है, चालाक है। राहु के पास वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो रातों रात किस्मत को बदल देगा। आपने देखा होगा कल गरीब थे आज अमीर हो गए, कल कुछ नहीं था आज बहुत कुछ हो गया, बहुत बिजनेस में घाटे चल रहे थे लेकिन अचानक से सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अमीर हो गए। कि मतलब बहुत जल्दी जो परिवर्तन आता है जीवन में, जो बहुत जल्दी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं वो राहु और शनि की वजह से होती है, केतु का भी योगदान होता है। तो राहु का परिवर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। राहु हमेशा उल्टी गति से चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं। बाकी ग्रह सीधे चलते हैं, कभी कभी वक्री भी होते हैं, लेकिन राहु हमेशा उल्टी चाल से चलते हैं। ऐसे ही केतु का भी हाल है। राहु सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मानता है। राहु में चालाकी है, राहु में बुद्धि है, राहु में काम कराने की क्षमता है, कलयुग के राजा है राहु। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह का जब परिवर्तन होगा तो आपकी राशि पर जरूर फर्क पड़ेगा और 18 महीनों बाद होगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या परिवर्तन होगा इस बलशाली राहु का। आपकी राशि के लिए राहु क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, तो अब ध्यान से आगे की कुछ लाइनों को समझिएगा। आपकी राशि के लिए राहु 2022 में क्या परिणाम देंगे, 18 महीने बाद राहु का यह परिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पर राहु मेष राशि में यानी मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये परिवर्तन इस तारीख को होगा और इस परिवर्तन का असर 2022 में क्या होगा मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी।
ध्यान से देखिएगा कुंभ राशि वाले अपनी गोचर कुंडली को। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। साल के शुरुआती दिनों में राहु जो होंगे चतुर्थ भाव में, यानी चंद्रमा के घर में होंगे। चौथा घर व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है, मन के सुख को दर्शाता है। आपके पारिवारिक सुखों पे थोड़ी गिरावट आ सकती है। चौथा घर मन की शांति है, माँ है, संपत्ति है, दोस्तों यारों के साथ संबंधों को दर्शाता है। आपकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर राहु डाल सकते हैं। माँ का प्यार या माँ की तरफ से प्राप्त होने वाली खुशियों पर असर पड़ सकता है। माता जी की सेहत पर भी आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। आपके धन कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आप अपनी संपत्ति के मामले में परेशानियों को पैदा होता देख मानसिक तौर पर साल 2022 में परेशान हो सकते हैं। वाहन संबंधी कष्ट भी आपको परेशान कर सकता है। जो छोटे बच्चे हैं उनका बचपना जिम्मेदारियों में कट सकता है। जो छोटे बच्चे हैं वो कम उम्र में उनके कंधों पर बड़े बोझ लद सकते हैं। दिल जिसको प्यार चाहिए, प्यार की भूख जिस दिल में है उसको प्यार नहीं मिल पाएगा या उचित प्यार नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर शुरुआती अप्रैल तक का जो समय है आपको थोड़ी परेशानी होगी। जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है फिर भी करने पड़ेंगे। कष्ट आ सकता है, लेकिन मजे की बात यह है कि अप्रैल में राहु जब तीसरे भाव में गोचर करेगा तो तीसरा घर है संचार का, साहस का, भाई बहन का, छोटी यात्रा का। इन सब चीजों का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। अप्रैल के बाद अविवाहित लोगों को शादी के प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे। आपके करियर में, नौकरी में और व्यापार में बहुत तेजी आएगी, बहुत तेजी से सफलता आपको प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन, संचार, कंप्यूटर या अन्य तकनीकी क्षेत्रों से जो भी लोग जुड़े हैं उनको लाभ होगा। व्यापार अच्छा चलेगा, खासकर शनि से संबंधित व्यापार, मंगल से संबंधित व्यापार और राहु केतु से संबंधित व्यापार बहुत ही शानदार चलने वाले हैं। और मीडिया, सोशल मीडिया में जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। बहुत सारा धन पैदा कर पाएंगे। कहते हैं रातों रात अमीर बन जाएंगे। आप निराश नहीं होंगे, आशावादी बने रहेंगे, असफलता के बाद सफलता का रास्ता ढूंढ लेंगे। जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं उनकी बात शादी तक जा सकती है। नया व्यापार, नया प्रेम दोनों आपके जीवन में अप्रैल के बाद जरूर आएंगे और शानदार तरीके से आएंगे। धन दौलत प्राप्त करने के लिए के योग भी आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नए व्यापार, नए स्टार्टअप की शुरुआत हो सकती है। दिमाग में कुछ आइडियाज हैं जिनको आप एक नया स्वरूप और रूप दे सकते हैं, यानी कि आपकी कल्पना अब वास्तविक रूप में बदल जाएगी। आमदनी के कुछ नए रास्ते खुल जाएंगे। कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत से आपको बढ़िया धन की प्राप्ति होगी। सेहत बढ़िया रहेगी। परिवार में जो कष्ट थे वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। आप काफी चतुर और चालाक होंगे। राजनेता हो या अभिनेता हो, आपका सितारा बुलंद रहेगा। राजनीति से जुड़े लोग और मीडिया से जुड़े लोग कहीं ना कहीं बहुत शानदार सफलता पाने वाले हैं साल 2022 में। अब जो लोग यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी हीरो हैं, वही वो भी हीरोइन है, एक्टिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो ये साल लग्जरी का रहेगा, सफलता का रहेगा, धन दौलत का रहेगा। और इस साल में कुछ नए प्लेटफॉर्म्स और आएंगे जिनमें आप पार्टिसिपेट कर जिनका हिस्सा बनकर काफ़ी धन दौलत और शोहरत कमा पाएंगे। मैं ये कहूँ कि ये साल फिल्मी दुनिया या मीडिया वालों के लिए शानदार है तो ये बात सत्य होगी। आप चालाक दिमाग के मालिक होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले इंसान होंगे। राहु आपको कर्जदार नहीं बनाएगा। कई बार जो होने वाला होगा उसकी जानकारी सपनों में ही आपको मिल जाएगी, यानी जो कल होने वाला है उसको आप सपने में ही देख लेंगे, पहले ही ईश्वर आपको उसका आभास करा देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। धोखेबाज मित्रों से बचना होगा,
संभव हो तो कुंडली को दिखाकर गोमेद रत्न धारण किया जा सकता है। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है तो गोमेद रत्न धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गोमेद, जैसे मैंने ये देखिए गोमेद धारण किया हुआ है, आप लोग भी चाहें तो संस्थान से ओरिजिनल गोमेद प्राप्त कर सकते हैं और कुंडली को दिखाकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं वो लोग माँ सरस्वती की आराधना जरूर करें, जिससे उनकी बुद्धि साफ सुथरी और निर्मल बनी रहे और सही फैसले वो ले पाए, क्योंकि राहु जब भी परेशान करते हैं तो बुद्धि पर अटैक करते हैं, व्यक्ति की बुद्धि भटक जाती है, ध्यान भटक जाता है और वो परेशानियों में फंस जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी परेशानियों के अंत के लिए प्रयास करेंगे और कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और आपका ये नववर्ष मंगलमय हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो 2022 की ऐसी ऐसी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगी जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, आपकी सफलता में आपकी बहुत सहायता कर सकती हैं। नमस्कार।